तो वही बैठक के बाद सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की है, वो भी आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज से उत्तर प्रदेश में आ रही है, उसको लेकर हमारे साथ बात करने मौजूद हैं सरोजनी नगर से विधायक हैं राजेश्वर सिंह। राजेश्वर जी, बड़ी यात्रा की चर्चा हो रही है भारत जोड़ो की, तमाम विपक्षी पार्टियों को बुलाया गया पर सबने थैंक यू कर दिया है। आज से उनकी यात्रा यूपी में आ रही है, पश्चिमी में खाली उनका फोकस है। यूपी में उनके पास कुछ नहीं है, ना वोट है, ना वोटर है, ना पार्टी है, ना संगठन है। वो टाइम पास कर रहे हैं, तो टाइम पास करने के लिए उन्होंने यात्रा निकाली है और वो टाइम पास कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में 7 वर्षों में 300 से ज्यादा बार तो विदेश घूम चुके हैं, वो आजकल देश का भ्रमण कर रहे हैं, देश घूम रहे हैं। इस यात्रा का कोई मतलब नहीं, कोई महत्व नहीं है। उनको तमाम विपक्षी पार्टियों को, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उन्होंने बुलाया भी था, सबने उनको ट्वीट करके एक लेटर जारी करके धन्यवाद कर दिया गया। मेन फोकस देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बेल्ट को टच करते निकले, बाकी के 80 सीटों पर उनका कोई मतलब लगता है कि कोई फोकस रहेगा? पश्चिम में भी उनके साथ कौन है, उन्होंने आज तक कभी किसी को जोड़ा नहीं है। अब ये जोड़ने का क्या प्रयास कर रहे हैं? 60-70 साल बाद अगर कांग्रेस की ये स्थिति आ गई कि लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रही है तो शर्मनाक है। ठीक है, तो ये थे राजेश्वर सिंह जी, बताया थे भारत जोड़ो यात्रा का कोई महत्व नहीं है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहुल गांधी फोकस करें, उनको फोकस अपने संगठन पे और अपने भारत जोड़ो यात्रा के अभियान में फोकस करना चाहिए कि किस तरीके से किस लिए यात्रा निकाल रहे हैं। अभी उनकी यात्रा जो है वो दिशाहीन है। वीडियो लिंक साहब के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।